काफी समय से इस मूवी का इंतजार था और जब इसका ट्रेलर आया था तब से एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा फ्री गाय मूवी के बारे में, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे रयान रेनोल्ड सर यानी डेडपुल भैया। अब मेरा एक फेवरेट सीन मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करना चाहूंगा कि इसमें इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर है फ्री गाय, मतलब गाय नाम से, जिसे प्ले किया रयान रेनोल्ड सर ने। अब यहां पर इनकी एक फाइट हो रही होती है लास्ट में जाकर एक ड्यूड नाम के कैरेक्टर से हो रही होती है। तो वहां पर जो अपने आप को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका की शील्ड यूज करते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन भी कैप्टन अमेरिका भैया का दिखाया गया, तो वो वाली चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। मतलब ये सोचा भी नहीं था कि ये चीज ऐसी चीज हमें देखने को मिलेगी। वास्तव में उसको देखकर मैं मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। अगर आप लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो आप लोगों को इसकी कहानी भी समझ में आ गई होगी कि इस मूवी में क्या कहानी होने वाली है। अगर नहीं देखा है तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए। अब आपने गेम खेली होगी सैन एंड्रियास या GTA 5 ऐसी गेम खेली होगी, उसके अंदर बैकग्राउंड में करेक्टर हुआ करते थे जिसको हम मार देते थे या फिर मजे लेने के लिए उनको गोली मार देते थे, उनको तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे। तो वो वाला सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। ये भी एक दरअसल एक गेम है, फ्री सिटी नाम से एक गेम आती है, उसके अंदर ये एक करेक्टर होता है फ्री गाय। तो वहां पर फ्री गाय नहीं होता, उसका नाम ही गाय होता है, फ्री तो इन्होंने ऐसे रख रखा है। तो यहां जब ये करेक्टर होता है गाय, अब इसके अंदर एकदम से जान आ जाती है। मतलब सोचो कि सैन एंड्रियास में आप किसी करेक्टर को मार रहे हो, वहां पर उसको एकदम से ऐसा लगे कि मेरे अंदर भी जान आ गई है, मैं जिंदा हो गया हूं, मेरी भी कोई आजादी है, मुझे ऐसे क्यों मारा जा रहा है। वो अगर सोचो ऐसा चीज होने लगे तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो चीज इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। लेकिन कोई ड्रावनी वे में नहीं, कॉमेडी वे से दिखाई गई है। और जब ये मूवी देख रहा था तो मुझे मैट्रिक्स मूवी की याद आ रही थी, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा ही सेम सा कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग वाला ही दिखाया गया, क्योंकि वो पूरी की पूरी तो प्रोग्रामिंग पे ही डिपेंडेड है मैट्रिक्स मूवी। और ये भी एक गेम है, गेम भी पूरी प्रोग्रामिंग पे ही डिपेंड होती है। तो मतलब सेम सी फीलिंग आएगी आप लोगों को। और एक एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं और सोच रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए, तो कोई भी लॉजिक मत लगाना, लॉजिक को घर पे ही रख के जाना। अगर आपने लॉजिक यूज कर लिया तो आपको कहीं से भी ये हजम नहीं होगी, यार ये प्रोग्रामिंग के अंदर जान कैसे आ गई यहां पर, ये मतलब गेम के अंदर ही ये करेक्टर अपने आप की आजादी की बात कर रहे हैं, इनको अब मरना नहीं है, इनको बल्कि बनाया इसलिए गया था। तो ये थोड़ी बहुत चीज अटपटी लगेगी। अगर आप लॉजिक यूज नहीं करेंगे तो बेशक आप इस मूवी को अच्छे से एंजॉय करोगे। वैसे मूवी देखे तो ये मूवी उन लोगों को ज्यादा पसंद आने वाली है जो यूट्यूब के ऊपर या फिर ट्विच के ऊपर वहां पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, गेम की स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा ये अच्छी मूवी है। वैसा ही कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं कि वो शाउट आउट मांगते रहते हैं जैसे हमने देखा हुआ है रियल लाइफ में, सेम ऐसे ही दिखाया गया है। और अब बात करें कि मूवी कितनी अच्छी है और कितनी बुरी, तो देखो यार ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ एग्री करें। ओके, अब स्टोरी की बात कर लेते हैं। देखो स्टोरी मुझे ठीक ठाक ही लगी, कोई मुझे इतना यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं लगा है कि हां मुझे कुछ अलग देख लिया है मैंने इसके अंदर, ये कहानी बड़ी सस्पेंस वाली थी, इतनी ज्यादा मैंने कॉमेडी देखी, तो ऐसा नहीं लगा मुझे। कहीं कहीं इस मूवी के कुछ सीन मुझे ऐसे लगे कि जो मुझे बोर कर रहे हैं, जिसके अंदर गाय को अपना लेवल अप करना था तो जिस ढंग से वो काम कर रहा था, अब वहां पर उनके जो वो अच्छे काम करने लगता है, अच्छे काम को देखकर जो ऑनलाइन स्ट्रीमर होते हैं उसके ऊपर वो फेक रिएक्शन देने लगते हैं, तो वो चीज मुझे बड़ी अटपटी सी लगी। मतलब ये चल क्या रहा है यार। मूवी की जो एंडिंग है वो आप आसानी से पता कर लोगे कि हाँ इसके एंड में क्या होने वाला है, कोई इतनी मतलब ट्विस्टेड या फिर आपको सस्पेंस कर देने वाली ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, बड़ी बड़ी मतलब प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, प्रेडिक्टेबल एंडिंग है इसकी। कहीं कहीं इस मूवी के अंदर ऐसे सीन है जहां आपको हंसी आएगी, लेकिन वहीं कुछ ऐसे सीन है जहां आपको बिल्कुल भी हंसी नहीं आने वाली है। एक्शन ज्यादा नहीं है लेकिन VFX काफी अच्छे लगे मुझे, लेकिन इतनी सारी कमियां मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको देखें ना। वन टाइम कंसीडर आप इसको कर सकते हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10 स्टार। देखो यार जितनी उम्मीदें इस मूवी से लगाई थी जब इसका ट्रेलर मैंने देखा था, तो उतनी उम्मीदों पर ये मूवी खरी नहीं उतर पाई, क्योंकि यार देखो VFX जैसे मैंने कहा काफी बढ़िया, लेकिन जो चीजें अच्छी होनी चाहिए थी जैसे इसमें कॉमेडी को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा कॉमेडी होने वाली क्योंकि डेडपुल भैया है, तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छी मूवी जाएगी, बहुत अच्छी कॉमेडी जाएगी, वो हमें निराश करती है कहीं कहीं पर। स्टोरी में भी उतना हमें दम नहीं लगता है। यार अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसे लगी। और ये हिंदी में अवेलेबल है, मतलब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। मैंने इसको हिंदी में देखा और हिंदी वर्जन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, हिंदी डबिंग अच्छी लगी मुझे, मतलब हर एक करेक्टर के ऊपर उसकी वॉइस काफी ज्यादा जच रही थी। कोई भी इसके अंदर वल्गर सीन नहीं है, कोई भी वॉयलेंस सीन नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, शायद देख सकते हो, नहीं आप अकेले ही चले जाना है, वो छोटे मोटे वो वाले सीन है, चलो कोई ना। तो जिन्होंने
नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, वन टाइम कंसिडर कर सकते हैं, एकदम थोड़ी बहुत कॉमेडी है इसके अंदर, आपको अच्छा लगेगा। और जिन्होंने देख लिया ऑलरेडी, मैं कह चुका हूँ कि यार कमेंट किया करो यार, थोड़े बहुत मतलब अच्छा लगता है बात करने को। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।